मेरा एक ख्वाब था और दूसरा ये कि मैं ज़्यादा एक्साइटेड था कि मैं माउंट एवरेस्ट को सर करने जा रहा हूँ, क्योंकि माउंट एवरेस्ट जो है ना दुनिया के सबसे बुलंद तरीन, और मेरा इस तरह की फीलिंग था कि भाई मैंने दुनिया के सबसे ऊंची पहाड़ को मैंने समट करना है। तो जब मैं टॉप पे पहुंचा तो उसके साथ जो है ना जो फीलिंग के साथ, और वो सीन भी इस तरह का था कि लेफ्ट था क्योंकि फुल मून था उस टाइम। तो जब मैं समिट पहुंचा और नीचे जो है ना बादल बादल थे, और लेफ्ट साइड से जब मून जो है ना वो ग़ुरूब हो रहा था, तो राइट साइड से तिब्बत साइड से सनराइज़ हो रहा था। तो उसकी जो कम्बिनेशन था मैं बयान नहीं कर सकता। और जब मैं ऊपर पहुंचा तो क्योंकि जो मेरा एक ख्वाब था, जो मैं एक्साइटेड था कि मैंने पाकिस्तानी परचम ऊपर लहराना है, तो मुझे बहुत ही ज़्यादा खुशी है। और दूसरा ये कि जब मैंने नीचे देखा, मैंने कहा कि यकीनन अल्लाह ताला ने जो कायनात बनाए ना वो बहुत ही खूबसूरत है, और मैं बिल्कुल अल्लाह के नज़दीक पहुँच चुका हूँ। तो मैं वो बयान नहीं कर सकता। मैं क्रेडिट देना चाहता हूँ जो हमारे दादा शिमशाल गए हैं, उसी ज़माने में कोई रोड कोई रास्ता उस टाइम नहीं था, और वो माउंटेंस को क्रॉस करते हुए शिमशाल पहुँचे। तो मैं कहता हूँ कि सबसे बड़ा माउंटेनर वो था उस ज़माने में। तो जब मैं छोटा था तो इस तरह से छोटे छोटे जो ना हिल्स पे जाते थे और पहाड़ों पे जाते थे, और कोई कहता कि कज़न के साथ। तो वहाँ से फिर जो ना शायद मेरे किस्मत में यही था कि भाई लिखा हुआ है कि मैं आज आके एक माउंटेनर बनता। तो उस वक्त जो है ना फिर मैं सुनता था मैसनर का, अशरफ अमान, नज़र साबिर और मेहरबान शाह, और मैन जो था वो रजब शाह मरूम था। ये मेरा इंस्पिरेशन है और मैं फ़ख्र महसूस करता हूँ कि आज जो है ना मैं उनकी नक्शे कदम पे चलते हुए आज जो है ना मुझे ये इस तरह के छोटे अचीवमेंट्स मिले। लेकिन मैं कहता हूँ कि उनके सामने जो है ना मेरा ये जो अचीवमेंट ना ये तो ना होने के बराबर है। तो उनकी जो काम है ना माशाल्लाह है, तो इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि उनके पीछे पीछे उनकी जो अचीवमेंट्स है, लेकिन उन जैसा तो नहीं बन सकता, लेकिन अपने जो मेरे हैसियत के मुताबिक है इंशाल्लाह वो मैं ज़रूर करूँ। मेरा जो इंस्पिरेशन है वो मैसनर है। तो मुझे मैं कभी मैंने ये नहीं सोचा था कि मैं मैसनर से मुलाकात करूँगा। तो बस लकीली वो भी जो है दुनिया के जो हाईएस्ट माउंटेन है जो माउंट एवरेस्ट मैंने सर करने के बाद जब मैं नेपाल आया, तो जो मेरा इंस्पिरेशन था वो नेपाल में था, तो और मेरा उससे मुलाकात हो गया। तो मुझे बहुत ही ज़्यादा खुशी हुई, और मैंने उससे जो है अपना इंट्रोडक्शन किया, तो उसने बहुत ही ज़्यादा खुशी किया। उसने कहा कि नहीं, मैं तो पाकिस्तान हमेशा आता हूँ, और पाकिस्तान जो है वो मेरा दूसरा घर है, और मैंने पाकिस्तान से बहुत चीज़ें सीखे हैं, और वहाँ से जो है मैंने काफ़ी अचीवमेंट्स किए। तो उसको भी बहुत ही ज़्यादा खुशी हुई, क्योंकि पाकिस्तान से जो है उसने एक क्लाइंबर देखा। क्योंकि पहले जो है हमारे लोग जाते थे, वो काफ़ी लोग जो है उसको जानते थे और वो हमारे लोगों को जानते थे, लेकिन इसी वक्त में जो है ना उसने पहली मरतबा देखा कि शहरों से भी उसका मुलाकात हुआ है, और उसने ये देखा कि नेपाल में इस वक्त जो है पाकिस्तान के जो क्लाइंबर्स हैं वो आते और क्लाइंब करते हैं। उसको भी ज़्यादा खुशी हुई, लेकिन उससे बढ़ के जो है मुझे बहुत ही ज़्यादा खुशी हुई। जो माउंट एवरेस्ट है इसमें क्योंकि ये ज़्यादा कमर्शियल है, यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा क्लाइंबर जाते हैं, और फैसिलिटीज़ भी बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि हर जो कम्बू आइस फॉल है और वहाँ पे जो कर्वेसिस है या दूसरी चीज़ें, वहाँ पे सीढ़ीज लगे हुए हैं और रॉक प्रॉपर जो ना फिक्स किए हुए हैं, और अगर थोड़ी बहुत कहीं पे थोड़ा ख़राब होता है तो एकदम वो चेंज करते हैं। और अन्नपूर्णा जो ना वो काफ़ी मुश्किल पहाड़ है, वहाँ पे इतना ज़्यादा लोग नहीं जाते हैं, तो क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा खतरा आते हैं बलंज का और सराख गिर के आते हैं, तो इसलिए जो है वहाँ पे लोग इतना ज़्यादा नहीं जाते, और उसके रूट जो है ना काफ़ी मुश्किल है। तो अन्नपूर्णा पे जो है ना हमें ज़्यादा मुश्किल का सामना करना पड़ा, क्योंकि जब हम कैम्फोर पहुँचे तो हम ये चाह रहा था कि हम अगले दिन जो है हमने समिट करना है। तो उस दिन जो है हम तकरीबन कोई 300-400 मीटर ऊपर जाने के बाद वहाँ पे मौसम हमारा रोप ख़त्म हुआ, तो हमें वापस कैम्फोर लौटना पड़ा। फिर वहाँ पे एक और दिन हमने गुजारा, तो अगले दिन जो है मैं रोप भी पहुँच के तो फिर हमने समिट कर लिया। रात को मौसम भी ख़राब हो गए थे, लेकिन फिर भी जो है जाके हमने समिट कर लिया। और क्योंकि अन्नपूर्णा में ये होता है कि उसकी जो समिट है ना, उसकी जो सक्सेस है, उससे भी बड़ा अचीवमेंट उसका ये होता है कि बंदे अलाइव जो वापस आते हैं
सबसे बड़ी अचीवमेंट उसका यही है अन्नपूर्णा। काफ़ी पहले से मैं तो देख रहा हूँ कि पाकिस्तान के अंदर और नेपाल के अंदर जो ना काफ़ी ऐसे माउंटेनियर्स हैं कि उन लोगों ने ये पहले से कर चुका है और बहुत सारे लोग कर रहे हैं। तो मैंने एक चीज़ सोचा कि भाई हम पाकिस्तान के लिए मतलब किस तरह से नई चीज़ कर सकते हैं। तो फिर मैंने जो ना पशु कौन सा सोचा था, क्योंकि काफ़ी लोगों ने कहा था कि ऐसा कौन बंदा होगा कि वो पशु कौन समिट करेगा, तो वो मेरे जहन में जो ना फीड हो गया था। तो बस ये कि अल्लाह ताला के फजल करम से शायद मैंने नसीब में था वो। तो फिर मैंने अपने टीम लेके गया था शमशाल से, जो मैंने अपने टीम लेके गया था और दो फीमेल्स भी उसमें शामिल थे। फिर हमने जाके और हमने सबमिट कर लिया और जो क्रेडिट हुए वो पाकिस्तान को। अभी ये रिकॉर्ड जो है ना पाकिस्तान के पास है। तो इस साल जो है ना एक दोस्त है मेरा, वो कह रहे थे कि नहीं एक फॉरनर भी जा रहा है उधर क्लाइंब के लिए, लेकिन मैं कहता हूँ कि हम खुशकिस्मत है कि वो क्रेडिट पाकिस्तान को आया। तो इसी तरह से जो है ना अभी जो मेरा प्रोजेक्ट चल रहा है, ये जो मैंने अभी माउंट एवरेस्ट किया, अभी जो केटू जा रहा हूँ, ये एक यूनिक प्रोजेक्ट में बनाना चाह रहा हूँ, दुनिया में लॉन्च करना चाह रहा हूँ। इंशाल्लाह वो केटू के बाद मैं अनाउंस कर दूँगा कि मैं क्या करने जा रहा हूँ। तो ये इंशाल्लाह वर्ल्ड के जो हमारे माउंटेनियरिंग कम्युनिटी है उनके लिए एक नया प्रोजेक्ट सामने आएगा। यूथ जो है ना वो इसको अप्रिशिएट करते हैं और वो लोग इंटरेस्टेड है इस काम में, क्योंकि मैंने गुजाल के अंदर भी, शमशाल के अलावा जो है ना मैंने गुजाल में मतलब पशु खैबर शिपुरसन में मैंने ट्रेनिंग सेशन रखा स्पेशली मैंने फीमेल्स के लिए, और फीमेल्स जो है ना वो खुशी खुशी इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। और वो जो है ना मैं देख रहा हूँ कि जो दूसरे लोग जो कि मतलब 2-3 साल लगते हैं उस को जो है इसी प्रोफेशन को सीखने के लिए, लेकिन ये जो एरिया है ये जो हमारे गुजाल के या फिर चित्राल के जो लोग हैं, हमजा के लोग हैं, ये वो 3-4 दिन में वो सीखते हैं। तो बड़ी बात यह कि मतलब इसका मतलब ये कि उनके अंदर जो है वो जुनून है, वो इसको जो है अच्छी तरीक़े से जो है इस्तेमाल करते हैं। तो मैंने उधर चित्राल भी गया, मैं बुरुगल तक गया, मैंने कहा कि वहाँ तक जो है इसको उन लोगों को अवेयर करूँ, ताकि अगर कोई ग्रुप वहाँ पे जाएंगे और वो ख़ुद उसको उनको जो है फैसिलिटेट करें, बजाय ये कि कोई दूसरी जगह से जाके अपने लिए फ़ायदा उठाए, और जो फ़ायदा है वो मुकामी लोगों को मिलना चाहिए। इसलिए मेरा कोशिश ये कि उन लोगों को ट्रेन करें और वो अपने लिए फ़ायदा उठाए। नेपाल में जो है टूरिज़म बहुत ज़्यादा है, स्पेशली ये माउंट एवरेस्ट और लुत्से पे जब मैंने देखा, तो मतलब उन लोगों ने कमर्शियल बनाया इसको, उन लोगों ने बहुत ही ज़्यादा फैसिलिटीज़ दिया उनको। और जो शेरपा हैं उनके लिए भी, नेपाल के जो टूर ऑपरेटर्स हैं उन लोगों ने अपने शेरपा के लिए भी बहुत ही ज़्यादा फैसिलिटीज़ मुहैया किया है। लेकिन अगर पाकिस्तान में इस तरह के मतलब शेरपा की तरह इनको भी अगर यहाँ पर उनको फैसिलिटीज़ मुहैया करें, तो मुझे लगता है कि यहाँ पे भी टूरिज़्म ज़्यादा प्रमोट हो जाएंगे, बहुत ही ज़्यादा आएंगे। और एक चीज़ मैंने देखा कि वर्ल्ड के जब जो सबसे हाईएस्ट माउंटेन है माउंट एवरेस्ट, उसका जो फीस है रॉयल्टी फीस है वो $11,000 है। तो अब सोच ले कि वहाँ पे कितना क्लाइंबर जाते हैं सिर्फ ये माउंटेनियर्स पे, मतलब एक क्लाइंबर का वो $11,000 लेते हैं, तो हमारे केटू में सिर्फ $1,200 लेते हैं। अगर इसको अगर बढ़ा लें, अगर चलो उसकी आफ करें, क्योंकि सेकंड नंबर पे और ख़ूबसूरत माउंटेन है और दुनिया में सबसे मुश्किल तरीन पहाड़ है, अगर इसको उसका आफ कर लें फर्ज कर कि 6,500 या 6,000 का अगर इसको कर लें, तो लोग जो ना खुशी खुशी से देंगे गवर्नमेंट को। और दूसरा ये कि हमारे जो क्लाइंबर्स है पाकिस्तानी क्लाइंबर्स, वो जब फॉरनर्स का या अपने मेंबर्स का जब वो सपोर्ट करते हैं, इनको जो है ना वो फैसिलिटीज़ होने चाहिए, ताकि इनके ऊपर जो है ना प्रेशर ना आए, मतलब ये कि इनको ऑक्सीजन दे दें और ताकि इनके लंग्स ख़राब ना हो, और ये जो है ना आराम से उनकी जो सामान है वो उनको जो है ना आसानी से जो है ना पहुँचाएँगे। अली रज़ा, मैं ये कहता हूँ कि पाकिस्तान में जो हीरा था वो अली रज़ा था। अली रज़ा वो बंदा था, मैं कहता हूँ कि वो ना सिर्फ एक बहुत बड़ा माउंटेनियर, लेकिन वो बहुत ही बड़ा इंसान भी था। और अली रज़ा वो हीरा था कि वो मेरे ख़्याल में माउंटेनियरिंग कम्युनिटी उसको कभी भी नहीं बुलाएंगे, तो वो हमारे दिल में हमेशा रहेगा। और अली रज़ा जैसा बंदा, उसने जो अचीवमेंट्स किए, अभी सोच लें कि उसने 4 पीक्स को 16 मरतबा उसने समिट किया, अगर उसको
सपोर्ट अगर गवर्नमेंट की तरफ से अगर उसको सपोर्ट मिलता उसने 14 के 14 कब का कर क्या होता। लेकिन यहाँ पे बदकिस्मती ये कि हमारे जो इस तरह के जो हीरा हैं उनका सपोर्ट नहीं मिला है। लेकिन इंशाल्लाह ये हमारे लिए एक सबक हो गया कि हमारे हीरा जो इस तरह के जो हीरे हैं इनको जो है ना सपोर्ट करना चाहिए ताकि ये पाकिस्तान का नाम रोशन करे, पाकिस्तान के लिए काम कर ले। पाकिस्तान में एक माउंटेनियरिंग का के लिए जो है एक एसोसिएशन बनाएं, माउंटेनियरिंग एसोसिएशन अगर बनाएं और उसमें अगर ये इस तरह के जो हमारे लेजेंड हैं इनको अगर उसमें इन्वॉल्व कर लें, ज़रूरी नहीं है कि वो आके माउंटेनियरिंग कर लें या फिर वो आके ट्रेनिंग दे दें। अगर वो इसमें सिर्फ इन्वॉल्व भी हो गया, अगर एडवाइजरी कमेटी में भी आ गया ताकि वो एडवाइस दे दे, अपने एक्सपीरियंस शेयर करे लोगों से, तो मैं कहता हूँ कि पाकिस्तान में जो शेरपा वहाँ पे जो जिस अपने एसोसिएशन से वो ट्रेनिंग करके इतना जो है ना वो लोग काम करते हैं, इसी तरह से जो है ना पाकिस्तान से भी इस तरह के हीरे निकलेंगे। लेकिन सिर्फ ये कि पाकिस्तान गवर्नमेंट को एक अच्छा एसोसिएशन करना चाहिए और ये तमाम जो हमारे सीनियर्स हैं जो लेजेंड्स हैं इनको एक प्लेटफॉर्म पे लाना चाहिए ताकि इन फ्यूचर जो है ना अभी हम कहते हैं कि भाई अगर फ़र्ज़ करें कि अली सतपारा या फिर अली रज़ा अभी इंतकाल हो गए, उनके पीछे भी उनके बच्चों के लिए काफ़ी मुश्किल है। अगर इस पे अगर इस तरह के अगर कोई प्लेटफॉर्म हो ताकि उनकी जो घर के चूल्हे भी जलेंगे इससे और उनकी जो बच्चे हैं वो पढ़ेंगे और उनके लिए मतलब एक मतलब रोज़गार भी मिलेगा इससे। मैंने एक चीज़ देखा कि जितने भी हमारे लोग एडवेंचर में इन्वॉल्व हैं ये एक दूसरे से बहुत ही ज़्यादा मोहब्बत करते हैं, मतलब ये कि एक बहुत ही करीबी रिलेशन इनकी आपस में होती है और दूसरे लोग जो ना वो जब एक दूसरे को देखते हैं वो एक दूसरे से नफरत करते हैं। जितने भी लोग इसमें इन्वॉल्व हैं वो एक दूसरे से ज़्यादा प्यार करते हैं और मैं ये चाह रहा हूँ कि एडवेंचर में इन्वॉल्व हो और जो माउंटेनियरिंग या ट्रैकिंग करना चाहते हैं या क्लाइंबिंग करना चाहते हैं उनको बेसिक से लेकर एडवांस ट्रेनिंग लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो अगर ट्रेनिंग लेंगे उसकी लाइफ उनकी जो लाइफ है ना उसकी ओर होगा। अगर वो ट्रेनिंग नहीं लेंगे ट्रेजडी हो सकता है उनके साथ, तो उससे बेहतर ये कि कोशिश करें कि ट्रेनिंग ले लें और एडवेंचर में इन्वॉल्व हो और एक दूसरे का जो है ना सपोर्ट कर लें।